हे गाइस वेलकम बैक द कुनाल ब्लॉग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो गाइस फाइनली बहुत दिनों बाद हम लोग जाने वाले हैं एक नए ट्रिप में जो कि है आलदारा। आलदारा के साथ साथ आप लोगों को इस ब्लॉग में देखने को मिलेगा सेवक कोरोनासन ब्रिज, जिसको बोला जाता है सेवक ब्रिज जाएंगे, और उसके बाद सीटोंग, उसके बाद आलदारा व्यू पॉइंट। अगर आप लोग बाहर से भी आते हैं तो वहाँ पर बहुत नया नया बहुत अच्छा अच्छा होम स्टे भी बना है, वो भी दिखाऊंगा आप लोगों को। एक और होम स्टे बना है जिसको बोलता है ग्लास फ्रेम होम स्टे, वो भी बहुत अच्छा, वो नया नया बना है, वहाँ से बहुत खूबसूरत व्यू आता है। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं बंगाल सफारी के यहाँ पर। आप लोग देख सकते हैं ये रहा बंगाल सफारी, और यहाँ पर हम लोग कुछ महीने पहले आए थे और यहाँ पर हम लोग ब्लॉग बनाए थे। वो जो ब्लॉग है वो हमारा 10K क्रॉस हो चुका है ना। वो मतलब मैं देखा नहीं हूँ, लास्ट मैं जो देखा था कि 10K क्रॉस हो चुका है उसमें व्यूज। तो अगर वो ब्लॉग आप लोग नहीं देखे हैं जरूर जाकर देखिएगा, बहुत अच्छा है। अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं, ये है सेवक रोड, आपको पता है सेवक रोड के बगल में ही है बंगाल सफारी। तो हम लोग देखे थे तो रुके बहुत दिनों बाद, अच्छा लगा था ना जब हम लोग घूमने आए थे, बहुत एंजॉय भी किए थे हम लोग यहाँ पे। तो अभी थोड़ा सा रुके हैं, तो ये रहा रोड। अगर आप लोग आ रहे हैं सेवक या सीटोंग आलदारा इधर जा रहे हैं, देख लो बहुत ज़्यादा चेकिंग है। तो हम लोग तो डबल हेलमेट लेके ही आए हैं, तो कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं सेवक। सेवक का शिव मंदिर है, ये रहा शिव मंदिर, ये शिव मंदिर है और ये है काली मंदिर। आप लोगों को पता है सेवक में ये दोनों मंदिर है। तो अभी हम लोग अंदर नहीं जा रहे हैं क्योंकि लेट हो जाएंगे, क्योंकि हम लोगों को बहुत दूर जाना है। आते बात अगर हो पाए तो हम लोग अंदर जाएंगे, यही से हम लोग मतलब नमस्कार करके यही से हम लोग निकल जा रहे हैं। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं सेवक ब्रिज, जिसका नाम कोरोनेशन ब्रिज है। और ये जो ब्रिज है 1941 को बना था, ओनली 6 लाख रुपीस में ये पूरा ब्रिज बन के रेडी हो गया था। ये ब्रिटिश के द्वारा बनाया गया ये आइकॉनिक सा ब्रिज। इस ब्रिज को लोकल बागपुल के नाम से भी लोग बोलते हैं। और इस ब्रिज का जो हाइट है वो 140 फीट, देख सकते हैं कितना गहरा है। और जो सिक्किम में जो बाढ़ आया था तो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा पानी मतलब भर गया था ये जगह, और उससे पहले भी एक बार बाढ़ आया था तो ये सारा ही जो रोड है उसमें भी पानी उठ चुका था। आप लोग देख सकते हैं ये कितना ज़्यादा डाउन में है, फिर भी इतना पानी हाइट में आ गया था और वो सारा ही रास्ते में पानी भर गया था। तो गाइस अभी जाते हैं वहाँ पर ऑफिसर लोगों से परमिशन लेते हैं ड्रोन उड़ाने के लिए, कि वो लोग परमिशन देते हैं या नहीं, क्योंकि ये जो है ये जो साइड देख रहे हैं ये सेवक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है और इस साइड में कालिंपोंग डिस्ट्रिक्ट। तो मैं कोई प्रॉब्लम नहीं चाहता हूँ कि इससे क्रिएट हो जाए, क्योंकि अभी हम लोगों को आलदारा जाना है, तो इसलिए परमिशन मांग लेता हूँ। अगर बोलेगा हाँ तो उड़ाएंगे, वरना नहीं तो नहीं उड़ाएंगे। अभी जाते हैं सर लोग से पूछते हैं क्या बोलते हैं। और आप लोग गैंगटॉक भी यही से जा सकते हैं। और सबसे मेन जो आलदारा का जो मेन प्रॉब्लम होता है वो लोकेशन, क्योंकि गूगल मैप में लोकेशन गलत रहता है। तो बहुत कोई गूगल मैप के भरोसे में आता है और घूमते रहता है, तो प्रॉब्लम होता है। तो इस ब्लॉग में आप लोगों को पता चलेगा लोकेशन, कि आप लोग सीटोंग आलदारा जाएंगे कैसे, वो मैं बताऊंगा एकदम इजी वे। सबसे पहले आप लोगों को आना है सेवक। सेवक वो देख रहे हैं आप लोग, यहाँ से सिलीगुड़ी से होते हुए सेवक आएंगे, उसके बाद उधर से सीधा जाना पड़ेगा आप लोगों को। अभी मैं जाऊंगा तो आप लोगों को दिखाऊंगा पूरा डिटेल्स में। सबसे मेन चीज़ यही है कि वहां पर जाना कैसे है। तो गाइस परमिशन मांगने गए थे तो सर बोल रहा था कि यहां पर आप लोगों को पता है कि एक मूवी का शूट हुआ था, तो उसमें क्या हुआ था, यहां पर बम ब्लास्ट किया गया था। तो वो ओरिजिनल नहीं था, पर उसके बाद से क्या हुआ यहाँ पर वो ड्रोन अलाउ करना या मूवी शूटिंग अलाउ करना यहाँ पर कम्प्लीटली बंद कर दिया है। तो परमिशन नहीं मिला तो ड्रोन उड़ा नहीं पाएंगे, और नहीं बोला तो नहीं उड़ाएंगे, रहने देते हैं। तो गाइस मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं फ़ोन में देखती थी ये कोरोनेशन ब्रिज को, आज मैं ये ब्रिज पे खड़ी हूँ। मतलब मैं पहली बार मैं ये ब्रिज पे आई हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये जो आइकॉनिक ब्रिज है आप लोग देख सकते हैं, हिलों से घिरा हुआ है, इधर पहाड़, मतलब पहाड़ों के बीच में ये कोरोनेशन ब्रिज है। Thank you.
दिख रहा है मेरे को, ये टुकु टुकु कहाँ दिखता है? इसके बगल में ही ये शॉप है, यहाँ पर हम लोग मैगी ऑर्डर किए हैं, अभी जाके मैगी खाएंगे इतना खूबसूरत व्यू में। तो गाइस मैगी आ चुका है, तो अभी मैगी खाते हैं यहाँ से जो ब्रिज है उसका व्यू देखने को मिलता है। कैसा लग रहा है? अच्छा बना है, अच्छा बना है। इस व्यू के साथ मैगी खाने में कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। हम लोग खा रहे थे उसी सब में ये भैया मिला। तो हेलो, व्हाट इज योर नेम? आर्यन। आर्यन, तो आर्यन भाई से मिले। तो आर्यन भाई पूछ रहा था कि आप यूट्यूबर है, तो मैं बताया कि हाँ मैं एक छोटा सा यूट्यूबर हूँ। so, भाई गाइस कुणाल द कुणाल ब्लॉग्स को सपोर्ट करिए, और ऐसे ही और कुणाल भाई को सपोर्ट करके उसको सपोर्ट करी रखा अब है ना, इन व्यू तरह सपोर्ट कर ही रहे हो। ऐसे ही हमारा इंडिया को सपोर्ट करना चाहिए, एकदम हमारा सनातनी को सपोर्ट करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय भारत, जय श्री राम, जय श्री राम। आर्यन भाई ने भी सब्सक्राइब कर लिया है, तो और आप लोग भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो गाइस अभी हम लोग ड्रोन उड़ा रहे हैं, तब तक आप लोग सिनेमेटिक चेक कीजिए। तो गाइस अगर आप लोग सीटोंग और आलदारा आना चाहते हैं तो इस टर्निंग को अच्छे से याद रख ले, क्योंकि इसी रोड से आप लोगों को सीटोंग या आलदारा जा सकते हैं। गाइस यहाँ पर डिक्लाइन देखिए कितना ज्यादा हाइट है, मतलब मोबाइल में तो समझ में नहीं आ रहा है आप लोगों को। अभी हम लोग वो जो मोड़ है वो मोड़ के आप लोगों को लेफ्ट आना है, वहीं से आप लोग सीटिंग आ सकते हैं। यहाँ से देखिए डिक्लाइन कितना ज़्यादा है। अगर आप लोगों को हिल में बाइक ड्राइव करने का एक्सपीरियंस अगर होगा तो ही आइएगा, वरना इतना ज़्यादा डिक्लाइन है ना यहाँ पर कि मैं क्या बोलूँ। इससे पहले मैं आया था स्कूटी से, ये बाइक लेके कभी नहीं आया, पहली बार आया। ये बाइक में मज़ा आएगा, मतलब कंफर्ट है ये बाइक, और वो इसका हैंडलिंग बहुत ज़्यादा मज़ेदार है, ये चला के बहुत मज़ा आएगा। लेकिन जो पहले क्या रास्ता था ये टूटा फूटा था, लेकिन अब बना दिया है तो इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। लेकिन फिर से मैं बता रहा हूँ, अगर आप लोग बाइक लेकर आ रहे हैं तो वेरी केयरफुल, क्योंकि ये जो रास्ता है बहुत ज़्यादा इंक्लाइन है, तो आप लोगों को बहुत केयरफुली बाइक चलाना पड़ेगा। तो ये तो डर के मारे बाइक से उतर के वहाँ तक मैं बोला डिक्लाइन देखने के लिए, तो वो देखी नहीं, डर रही थी। अभी जाते हैं ऊपर, आप लोगों को दिखाते हैं, बहुत खूबसूरत भाई बड़ा है यहाँ पर, देखिए चारों तरफ ट्री से बना हुआ है। और यहाँ पर ड्रोन उड़ाने की तो जगह ही नहीं है, अगर उड़ाएंगे तो कहीं ना कहीं क्रैश ही हो जाएगा यहाँ पर। तो गाइस हम लोग बहुत ही ज्यादा मस्त प्लेस में रुके हैं, यहाँ से भी वो बहुत खूबसूरत आ रहा है। ये चेक कीजिए गाइस कितना ज्यादा, मतलब हिल देखिए यहाँ पर सारा ही हिल थोड़ा थोड़ा फॉगी टाइप का हो गया है, तो इसीलिए क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा है। और नीचे का जो घर है वो छोटा 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 दिखाई दे रहा है, जूम करके मैं दिखा रहा हूँ, बहुत खूबसूरत लग रहा है। यहाँ से देखिए व्यू, यही से हम लोग अभी आए और हम लोगों को यहाँ से जाना है। वहाँ पर लिखा है कि सीटों 1 किलोमीटर अभी है, यहाँ बोर्ड भी देख रखा है सीटों का। गाइस इतना ऊपर आ चुके हैं ना, इतना ज्यादा ऊपर कि हवा की वजह से बहुत ऐसा लग रहा है नीचे गिर जाएंगे। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। और ये ड्रोन उड़ा रहा है, बहुत ही ज्यादा हवा है और ये ड्रोन उड़ा रहा है, देखिए ना। गाइस हम लोग सीटों पहुंच चुके हैं, अभी 0 किलोमीटर है, कुछ हो गया है शायद गाड़ी का हम लोगों का, अभी प्रॉब्लम हो चुका है ऊपर हिल में आके। तो यहाँ पर एक शॉप है, अगर आप लोग आ रहे हैं गाड़ी में अगर कोई प्रॉब्लम होता है कोई टेंशन का बात नहीं है, यहाँ पर मैकेनिक शॉप है। तो अभी मैं दिखा लेता हूँ कि गाड़ी का पीछे से आवाज़ कर रहा था, तो अभी चेन में ही प्रॉब्लम दे रहा है, तो भैया अभी ठीक कर दे रहे हैं। तो भैया आपका नाम? भैया कुशकर। अच्छा, आप यही के रहने वाले हैं? अच्छा, ये कितना दिन हुआ शॉप खोलना? ये
एक सप्ताह हुआ है। अगर फोर व्हीलर में भी कोई प्रॉब्लम होता है? खाली टू व्हीलर का ही है। ओनली टू व्हीलर? अच्छा अच्छा। चीन में बहुत ज्यादा गंदा जम गया था, आवाज उसी लिए कर रहा था ना? हाँ, अभी आवाज खत्म होगा। अच्छा अच्छा, देखना। और कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाइनली बाइक में जो प्रॉब्लम था वो सॉर्ट आउट हो चुका है और अभी हम लोग जा रहे हैं सिटोंग ऑरेंज गार्डन को देखने के लिए। ये रहा ऑरेंज गार्डन का, यह गेट, यही से इंटर करना है। यह बट एंट्री फीस 50 रुपीज, अगर कोई बिना पूछे तो अगर कोई तोड़ता है तो 500 रुपीज पेनल्टी लगता है। तो अभी बात की है तो बोल रहा था कि ऑरेंज का सीजन तो है ही नहीं क्योंकि अभी फरवरी मार्च आने वाला है, तो जितना ऑरेंज था तोड़ लिया है। तो मेरे को नहीं लगता है कि अंदर जाके कोई फायदा होगा, 300 रुपीज ले रहा है 2% का, 50 रुपीज पर हेड। तो मुझे नहीं लगता है कि फायदे का होगा क्योंकि ऑरेंजेस है ही नहीं, दिखेंगे ही नहीं, इसी पेड़ देखे क्या करेंगे। यहाँ पर पेड़ में एक है छोटा सा है, ये पेड़ में देख सकते हैं, ये रहा। मतलब मेरे को बहुत मन था कि ऑरेंज का पेड़ देखने के लिए, कभी नहीं दिखे पर देख लिए, ब्लड एक पेड़ में ऑरेंजेस दिखा है, लेकिन छोटा है, बहुत छोटा है। पार्किंग देखने को मिल रहा है, 50 रुपीज है। ये शॉप के बगल में ही, ये अंदर में ऑरेंज गार्डन। ये रहा ऑरेंज गार्डन, बाहर से ही देखने को, बाहर से। इस बोर्ड में सारा ही लोकेशन मेंशन है, अगर आप लोग इधर से जाएंगे तो करसियंग, और ये जो है जोगी घाट, इधर से हम लोग आए हैं, और ये जो रोड है ये अहलदार 360 व्यू पॉइंट का। यहाँ से मुझे मेरे बाइक के लिए 20 रुपीज एंट्री फी देना पड़ रहा है। अभी हम लोग यहाँ पे गाड़ी रखे हैं। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं अहलदारा 360 व्यू पॉइंट। यहाँ पर जो नया होम स्टे बना है, ग्लास फ्रेम होम स्टे, वो मैं दिखाने वाला हूँ अभी। तो भाई आपका नाम? अमन लेपचा। अच्छा, आप यहाँ का ओनर है? ओनर तो नहीं है, हम इधर का है। अच्छा, यहाँ पर रहते हैं आप? अभी ये नया बना है, जस्ट 4 महीना कम्प्लीट हुआ है। तो अभी ये डुप्लेक्स बोलते हैं इसको। अच्छा अच्छा। इसका नीचे में भी बेड है, 2 बेड है, डबल बेड। अच्छा। और ऊपर में भी बेड है, छोटा छोटा वाला बेड है, ऊपर 2 जन के लिए, नीचे 4 जन के लिए। ऊपर 2% के लिए? 2% 3%। अच्छा, ऊपर ऊपर का, ऊपर टॉयलेट बाथरूम है। अच्छा, सब ऊपर का, ऊपर में, नीचे का नीचे में। अच्छा अच्छा, एकदम। इसका तो उस साइड में भी बालकनी है, उधर बालकनी, सनराइज सब बेड से बालकनी से दिखता है। अच्छा, यहाँ पर काम चल रहा है, यहाँ पर वो गार्डन बनने वाला है ना, यहाँ पर सीटिंग एरिया बना के रखा है, बहुत खूबसूरत है। ये थोड़ा अंदर से देख सकते हैं? बंद है, ऊपर का देख सकते हैं, ऊपर का देख सकते हैं। तो गाइस ये सीढ़ी देखिए, आयरन का बना हुआ है, पूरा राउंड करके एकदम ऊंचा। और जहाँ मैं लेके जा रहा हूँ ना, यहाँ से व्यू इतना खूबसूरत कि मैं क्या बोलूँ। अगर आप लोग वहाँ ऊपर रूम बुक कर लिए तो मतलब क्या मैं बोलूँ, इतना खूबसूरत व्यू यही से कंचनजंगा आपको देखने को मिलेगा। अहलदारा जो है वो 360 व्यू पॉइंट के लिए ज्यादा फेमस है। हाँ जी, तो यहाँ से मतलब हर एक मतलब लोकेशन देखने को मिलता है, पूरा सिक्किम कालिम्पोंग सब कुछ दिखता है, मतलब गजलडुबा वगैरह, डुवर्स वगैरह, बकरीकोट डुवर्स सब दिखता है, सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग, टाइगर हिल, सब सब इधर आपका सिक्किम है, इस टाइप पूरा डुवर्स, गजलडुबा वगैरह, पूरा डुवर्स, गजलडुबा इधर है ना, सिलीगुड़ी इस साइड है, सिलीगुड़ी एकदम मस्त दिखता है अभी थोड़ा। हाँ जी, अभी थोड़ा वो है। अच्छा अच्छा, और टाइगर हिल किधर है? इस साइड में है ना, लेकिन यहाँ से दिखता है, यहाँ से एकदम पूरा यहाँ तक दिखता है, पूरा लंबा। अगर यहाँ पर कोई रूम बुक करता है तो यहाँ से ही बहुत खूबसूरत व्यू देखने को मिलेगा, पीछे में भी बालकनी है, वहाँ से भी एकदम मस्त। अच्छा अच्छा, सनराइज सनसेट यहाँ से एकदम मस्त दिखता है। हाँ, ये तो फेमस ही है सनराइज सनसेट के लिए। तो अगर कोई यहाँ पर बुक करता है तो बहुत अच्छा से यहाँ से मतलब बेलकोनी से देख सकते हैं। अभी तो थोड़ा क्लाउडी है, वेदर क्लीन नहीं है, इसीलिए अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन कैसे लगा तुम्हें? बहुत ही अच्छा, अच्छा है ना, हम लोग मतलब तो मतलब यहाँ पे खड़े होके सब कुछ देख पाएगा। अभी अंदर जाते हैं और अंदर दिखाते हैं यहाँ का रूम कैसा है। रूम तो सब ठीक है। अच्छा अच्छा, कोई था क्या? अच्छा, ये रूम है ना, देख सकते हैं बहुत खूबसूरत है, इतना कोजी है, मस्त है। और अंदर बाथरूम है ना? हाँ, टॉयलेट बाथरूम, गीजर से सब जूता से जाइए, अभी जा सकते हैं? हाँ, अभी तो गंदे ही है सब। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी जा रहे हैं अंदर। ये रहा, आपको पहले मिरर देखने को मिलेगा यहीं पर, जाके देखते हैं अंदर। अच्छा, गीजर भी है, बहुत ही अच्छा है यहाँ पर नल है, यहाँ पर एक मिरर भी बना हुआ है। जब आप लोग मॉर्निंग को उठ के एक हाथ में कॉफ़ी रहेगा और यही पर मतलब बैठ के सनराइज, सनराइज किधर से होता है? इधर से सनराइज, बालकनी से दिखता है सनराइज, बारबेक्यू सारबेक्यू सब होता है, सारा ही मतलब फैसिलिटी है ना यहाँ, बारबेक्यू सारबेक्यू सब। अच्छा भैया, यहाँ पर अगर मान लीजिए कोई रूम बुक करता है तो उसका प्राइस कितना है पर हेड?
ये जो कटेज है नया वाला कटेज, इसका पर हेड आपका फूड इन लॉजिंग 1500 का पर हेड फूड इन लॉजिंग। अच्छा 1500। अच्छा इसमें खाना इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट लंच और इवनिंग्स, चाय कॉफी पकौड़ा उसके साथ वेज पकौड़ा, और सुबह में नाश्ता में चाय वगैरह, ये रोटी वगैरह लुची वगैरह, ये सब इंक्लूडिंग आता है। तो इसका पर हेड 1500 के पड़ता है। अच्छा अच्छा अच्छा। नीचे यहाँ पर और भी बहुत सारा होम स्टे है, मैं नंबर मेंशन कर दूंगा डिस्प्ले में, नंबर देखने को मिल रहा है, उस नंबर से आप लोग कॉल करके बुक कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ये ग्लास फ्रेम वाला होम स्टे चाहिए तो आप लोग बोलिएगा कि ग्लास फ्रेम वाला होम स्टे मुझे बुक करना है, कीजिएगा तो ऊपर वाला में मस्त व्यू वहीं से देखने को मिलेगा, बहुत अच्छा। अभी हम लोग उस साइड में जाते हैं, उस साइड में अच्छा व्यू है, वहाँ से आप लोगों को दिखाते हैं। तो गाइस ये रहा आलदरा 360 वी पॉइंट होम स्टे। यहाँ पर टोटल 1 2 3 4 5 होम स्टे हैं। यहाँ पर मैं नंबर शो कर देता हूँ। बहुत ही ज़्यादा खुश, मतलब इतना अच्छा लग रहा है ये व्यू, बहुत ही सुंदर, कैसा लग रहा है ये व्यू? बहुत अच्छा लेकिन वेदर क्लियर रहता तो बहुत और ज़्यादा अच्छा लगता ना। अभी वेदर खराब चल रहा है कल से। और वहाँ पर वाला जो हिल है बहुत खूबसूरत आ रहा है, कैमरे में कैप्चर आ ही नहीं रहा है, फॉगी फॉगी लग रहा है। वहाँ पर एक मतलब स्पॉट है, इधर भी है। ये जो होम स्टे है मैं दिखा रहा हूँ, सनराइज व्यू पॉइंट होम स्टे, यहाँ से इस होम स्टे को देख सकते हैं। ये भी होम स्टे बहुत खूबसूरत है, लेकिन अभी क्या बोलता है वो टी गार्डन का सीजन नहीं है ना, तो इसीलिए इतना ज़्यादा व्यू अच्छा नहीं लग रहा है। तो गाइस जो आलदरा व्यू पॉइंट है वो फेमस दो चीज़ों के लिए है, एक आलदरा 360 व्यू पॉइंट, यहाँ से आपको 360 व्यू पॉइंट मिलेगा, मतलब हर एक प्लेस यही से आपको देखने को मिलेगा। और सेकेंड थिंग्स है सनराइज और सनसेट के लिए। तो अभी सनराइज हुआ इसीलिए वेदर थोड़ा सा क्लीन हुआ, आंखों से दिखाई दे रहा है लेकिन कैमरा में उतना ज़्यादा कैप्चर नहीं हो रहा है। हाँ। यहाँ पर एक और खूबसूरत सा मतलब प्लेस है, वहाँ से मतलब हम लोग वहाँ जाके फोटो वोटो क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर भी एक और प्लेस है वहाँ देख सकते हैं, वहाँ पर भी जाएंगे। अभी हम लोग वहाँ पे जाने वाले वो वाला व्यू पॉइंट पे होम स्टे की, यहाँ पे ऑरेंज का भी गार्डन है, ऑरेंज भी हुआ है देखिए। तो गाइस अभी हम लोग ऊपर से उतर के नीचे आ चुके हैं, यहाँ पे बहुत ही अच्छा ये व्यू पॉइंट है। और अभी ये ड्रोन फ्लाई कर रहा है, ये वाला होम स्टे का जाने का रास्ता है। यहाँ पर देखो ना पेड़। हाँ ये कौन सा पेड़ है देखो, बहुत खूबसूरत लग रहा है ना। ये पत्ता है, पता है ये इसका पत्ता है। और ये फल है क्या इसका, पता नहीं शायद। अभी हम लोग एक बढ़िया लोकेशन में जा रहे हैं जहाँ से व्यू बहुत अच्छा आएगा, वहाँ से एक ड्रोन शॉट लेंगे, आप लोग को दिखाएंगे। गाइस इससे पहले हम लोग उसके पीछे, ये जो पहाड़ था इसके पीछे हम लोग गए थे, और ये यहाँ पे भी बहुत अच्छा व्यू पॉइंट है। मैं तो नहीं गई क्योंकि कुणाल को बोले हैं कि कुणाल आप जाओ, क्योंकि मैं नीचे जाती और ऊपर उठते वक्त बाप बहुत ज़्यादा सांस फूलने लगता है मेरा। तो अभी वो गया है, सांस हम आपको जूम करके दिखा रहे हैं, वो रहा वो। गाइस उसे देखिए कहाँ पे है वो, थोड़ा सा हम आपको जूम करके दिखाते हैं, देखिए कहाँ चला गया वो। तो गाइस वहाँ से दौड़ कर आया यहाँ पे, अब वो देखिए कैसे कर रहा है, और दोनों कान पकड़ के मुझे बोल रहा है क्या, अब मैं नहीं जाऊँगा। वो हीरो का क्या नाम था, कौन सा हीरो, नाम नहीं याद रहा। वो बोलता है ना टक से मौत को छू के वापस आ गए। ओ ये बात है, मेरा भी सेम कहना है। अभी अभी मैं मौत को छू के आया हूँ। शॉर्ट्स तो आप लोग देखें, इतना ज़्यादा डरावना, इतना ज़्यादा डेंजरस कि मुझे कोई अगर बोलता है ना 1 करोड़ दे रहा हूँ कि जा वहाँ से वीडियो बनाने के लिए गया कभी नहीं मैं सोच रहा था कि मैं गया तो गया क्यों
अच्छा गया तो फिर सोचा आऊंगा कैसे। जाते वक्त तो बड़ा अच्छा लगा ना। एक सीन है कि मुझे ऐसे पकड़ के घास को पकड़ के नीचे उतरना पड़ रहा था। हाँ। बहुत ज्यादा डरावना बना है। मुझे तो डर लग रहा है कि मैं अगर ये क्लिप दिखा दूं तो मेरा फैमिली वाले मुझे बाहर यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए भेजेगा ही नहीं, बैट करवा देगा। देखता मैं सोचूंगा ये क्लिप लगाऊंगा या नहीं। अगर लग गया तो समझ लेना घर के आदमी को दिखा के समझा के उसके बाद मैंने डाला। नेक्स्ट रेनी सीजन में जब ये सारे टी गार्डन्स फिर से नए पत्ता जब उगेगा तब फिर से आऊँगा, फिर से आप लोगों को एक्सप्लोर करूँगा, अच्छा से दिखाऊँगा ये हाल दरा। पर फिर भी जितना हो पाए हम लोगों से हम लोग दिखाए। जोगीघाट जाने का मन था, उसके बाद नामथिंग पोखरी जाने का मन था, जा नहीं पाए, पर कोई दिक्कत नहीं, दोबारा फिर आएंगे, फिर आपको दिखाएंगे सीटोंग आहलदारा या आहलदारा का 360 व्यू पॉइंट। तो गाइस अगर ब्लॉग आप लोगों को थोड़ा भी अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। तो गाइस वीडियो कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।